गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास थर्ड में ड्रेसेस ऑफ इंडिया इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम अपने भारत में जो अलग अलग तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, आज हम उन्हीं वस्त्रों के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो लेसन 5 था, लेसन 4 था, वो कंप्लीट हो गया था, तो आप उसकी कॉपी स्कूल में लेकर आ जाएं चेक करवाने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ड्रेसेस। ड्रेसेस यानी वस्त्र। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। लोग अलग अलग हमारे भारत के अलग अलग पार्ट में रहते हैं, अब वो अलग अलग तरह के कपड़े वस्त्र पहनते हैं। क्लॉथ्स और ड्रेसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड डस्ट। जो वस्त्र होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी सुरक्षा यानी हमारा बचाव करते हैं। किससे? धूल से, मिट्टी से, है ना, गर्मी से, सर्दी से, हवा से हमें बचाते हैं, ठीक है। द ड्रेसेस वी वेयर डिपेंड ऑन द प्लेस वेयर वी लिव, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एंड सीजन्स। जो वस्त्र होते हैं, जो हम वस्त्र पहनते हैं, वो डिपेंड करते हैं उस स्थान के ऊपर, है ना, उस स्थान के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम गर्म, मतलब अगर हम, मैं बोलूँ गांव में रहेंगे तो वही हम साड़ी सूट पहन के रहते हैं, अगर वही हम सिटी वगैरह में रहते हैं तो हम लोग जीन्स वगैरह का यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरीके से प्लेस के ऊपर डिपेंड करती हैं हमारी ड्रेसेस, और क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, उस स्थान का जो क्लाइमेट होता है, सीजन होता है, उसके ऊपर भी हमारा वस्त्र, जो हमारे वस्त्र होते हैं वो डिपेंड करता है। अब कैसे करता है, मान लीजिए मौसम ठंडा है तो आप कॉटन क्लॉथ तो पहनेंगे नहीं, ठीक है। अगर मान लो गर्मी है तो आप वूलन क्लॉथ नहीं पहनेंगे। तो हमारा जो कपड़ों का चुनाव होता है, वो कपड़ों का जो चुनाव होता है, वो वहाँ के मौसम यानी क्लाइमेट, जो सीजन्स होते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। पीपल हु लिव इन विलेज वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। जो लोग गांव में रहते हैं वो भी डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं, और जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं। मॉडर्न ड्रेसेस लाइक मैं बोलूँगी आधुनिक वस्त्र, ठीक है। सम प्लेसेस आर वेरी हॉट, कुछ स्थान, कुछ जगह बहुत गर्म होती हैं, जबकि सम प्लेसेस आर वेरी कोल्ड, कुछ जगह बहुत ठंडी होती है। दीज इन्फ्लुएंस आवर चॉइस ऑफ ड्रेसेस, ये हमारे वस्त्रों के चुनाव पे, ये जो हमारे वस्त्रों का चुनाव होता है उस पे वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करते हैं। सम ड्रेसेस आर कॉमन थ्रू आउट इंडिया, कुछ ड्रेसेस ऐसी होती हैं जो हमारे पूरे भारत में कॉमन होती है। जैसे जस्ट मैं बोलूँ, मैन जो होते हैं वो, जैसे धोती कुर्ता हुआ आपका, कुर्ता पजामा हुआ, पैंट शर्ट हुई, ये बिल्कुल कॉमन ड्रेस है। किसकी? मैन की। सलवार कमीज, साड़ी, ब्लाउज, ये वुमेन की कॉमन ड्रेस है, कॉमन वस्त्र हम बोलेंगे इसको, ठीक है, जो पूरी हमारी कंट्री में आदमी और औरत के लिए मैं बोलूँगी ये ड्रेसेस ऐसी हैं जो आप कहीं भी चले जाएं तो आप ये इनको वियर करते हैं, ठीक है। तो आज आपने ड्रेसेस के बारे में जाना, कल हम ड्रेसेस ऑफ मैन के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज आप इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे इतना पैरर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।